हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से आधुनिक इतिहास का पार्ट थर्ड। दोस्तों, अब तक हम इस बुक से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आधुनिक इतिहास का ये तीसरा पार्ट है। ये बुक आपके लिए रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल एसआई, एएलपी स्टेज वन, स्टेज टू। और साथ ही साथ दोस्तों, इस बुक में सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए ये बुक आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस बुक में टोटल 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस बुक का हम आधुनिक इतिहास से तीसरा पार्ट आज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन, प्रांतीय चुनाव, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन, भारत का संवैधानिक विकास, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, साथ ही साथ कथन, नारी, उपाधियां और ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारतें और स्वतंत्रता के बाद भारत, साथ ही साथ आधुनिक इतिहास की विविध को कम्प्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1942। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। यह एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे के साथ शुरू हुआ। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। राइट आंसर रहेगा करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे करो या मरो से शुरू किया गया था। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया और इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो वो था ग्रुप डी में। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। सही आंसर इसका 1942। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, यहाँ से आपको बहुत कुछ याद हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। भारत की आजादी से संबंधित इतिहास में दो बड़े पड़ाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। प्रथम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को जल्द ही आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया था। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 1920, 1930, 1946, 1942, तो इनके बारे में भी बता रहा है ये, तो देख लेते हैं। 1942 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1942 को आरम्भ किया था। इसके बाद बात करते हैं 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 में भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। देखिए, यहाँ पर 1946 कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये तीनों ही नाम इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो सही आंसर दोस्तों, कब शुरू किया गया, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हम लगाएंगे 8 अगस्त 1942। ठीक है,
8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया और सभी नेताओं ने इसको सुबह 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था। देखिए हम इसको अच्छे से देखते हैं एक बार। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। 9 अगस्त को सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों ये एग्जाम में, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी से संबंधित, और सही आंसर इसका 1942। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, प्रांतीय चुनाव किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1936 से 1937। ठीक है, प्रांतीय चुनाव 1936 से 1937 के बीच भारत में आयोजित किए गए थे। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों, जिनके नाम थे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में मिली जुली सरकार बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? राइट आंसर है 3 जून 1947। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट डेट है ये, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? यानी कि ये पूछ रहा है सुबह थी, रात थी, दोपहर थी या मध्य शाम थी? तो राइट आंसर है आधी रात, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि में आजाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रीस्ट विद डेस्टिनी नाम के अपने अविस्मरणीय भाषण में इस समय का उल्लेख किया है। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? सही आंसर है 1946 में। ठीक है ना, 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी ब्रिटिश सरकार। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ठीक है ना, इनका नाम याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 15 मार्च 1946 को दिया गया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभु सत्ता भारतीयों के साथ हाथ में दे देंगे। इसके लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव में लाया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? सही आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी कि ये बात कर रहा है संविधान के, ठीक है ना, नए संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की बात कर रहा है। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950। देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था, यानी कि आखिरी बैठक, ठीक है ना, आजादी के बाद जब गणतंत्र यानी कि संविधान को लागू किया जाना था, उससे पहले का आखिरी अधिवेशन था ये। ठीक है, जिसमें सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवीन संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत को यह नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और इस प्रकार भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बना। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करना है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, गलत है दोस्तों ये, ठीक है ना, ऑप्शन डी गलत है, यानी कि असंगत है। देखिए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, यह भारत की नियमावली पुस्तक व वैधानिक दस्तावेज है। इसमें मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कानूनी शासन को कूटबंध किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन आपके कट रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, क्वेश्चन को कंप्लीट हम जरूर करेंगे।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है, तो पढ़ लीजिए। देखिए, अधिनियम एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया है। ऑप्शन सी है, अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया है। और ऑप्शन डी है, अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवृत किया गया। तो गलत है दोस्तों ऑप्शन डी, अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवृत किया गया। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायकी की स्थापना की गई। इनका कार्यकाल 20 वर्ष ना होकर 5 वर्ष का था, ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन डी गलत था। अतः उपरोक्त दिए गए कथन अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवृत किए असत्य है। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया तथा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। सही आंसर है 1892, यानी कि ऑप्शन सी। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा सीमित चुनाव की व्यवस्था की गई तथा भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चार्टर्ड अधिनियम 1833। भारत के गवर्नर जनरल का पद चार्टर्ड अधिनियम 1833 के द्वारा सृजित किया गया है। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग को बनाया गया। प्रांतीय स्वतंत्रता किसके द्वारा प्रदान की गई थी। राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है दोस्तों। प्रांतीय स्वतंत्रता भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान की गई। क्या था ये प्रांतीय स्वतंत्रता, तो जरा देख लेते हैं इसको हम। देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई। 1935 के अधिनियम से प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, ठीक है ना, यानी कि 1909। याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार ये किस वर्ष आया, 1909 में। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं एक बार, मार्ले मिंटो क्या है और इसके वायसराय कौन थे, कितने समय तक चला। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय जॉन मार्ले भारत का सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। 25 मई को विधेयक पारित हुआ तथा 15 नवंबर 1909 को राज्य के अनुमोदन के बाद लागू हुआ। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मत अधिकार की व्यवस्था भी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो सही आंसर है 1918 में, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है ना दोस्तों। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये 1918 में प्रकाशित हुई थी। देखिए, भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया है। इसके तहत बताया गया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है, जिससे भारत का उत्तराधित्व पूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तिलक ने इस घोषणा पत्र को सूरबिहीन ऊषा काल कहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, देखिए नाम देखिए यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। देखते हैं दोस्तों इनके बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनेंगे आपके लिए।
चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 में मद्रास के थोरापल्ली नामक स्थान पर हुआ। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर रहे। 1946 से 47 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में मंत्री भी रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने कहां एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था? तो राइट आंसर है बंगाल। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक फिर नवाब बनाया गया। देखिए फैक्ट देख लीजिए, यहाँ पर मीर कासिम को हटाने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसके साथ ही बंगाल में दोहरी सरकार यानी कि द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी अपने पास रखे गए तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी एवं प्रशासनिक दायित्व नवाब को छोड़ दिए गए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है दोस्तों, वहां पहले आया था क्वेश्चन कि गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, अब आया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। देखिए लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल में हुई 1857 की क्रांति का सफलतापूर्वक दमन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड बेले जली। याद रखिएगा सहायक संधि, ठीक है ना, किसके द्वारा? लॉर्ड बेले जली के द्वारा ये पेश की गई थी। क्या थी ये सहायक संधि, जरा देख लेते हैं। लॉर्ड बेले जली ने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेले जली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध आदि थे। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। याद रखिएगा इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो इनका नाम था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड इरविन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड इरविन इनके द्वारा दिल्ली का उद्घाटन करने वाले ये वायसराय थे। ठीक है ना, नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय थे। देखिए यहाँ पर चार नाम और दिए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहले बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इनका समय रहा 1786 से 1793। इसने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। इसे भारत का प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत में इन्हें प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। इसके बाद है लॉर्ड इरविन। समय है 1926 से 1931। इसके समय 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसने 13 मार्च 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड बेले जली की। समय रहा 1798 से 1805। इसने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसने? लॉर्ड बेले जली ने। अगला क्वेश्चन है विलंब का सिद्धांत, या फिर आप इसे कह सकते हैं हड़प नीति, को किसने लागू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो राज्य हड़प नीति कह लीजिए या विलंब का सिद्धांत कह लीजिए, इसको लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। देखिए ठीक से जान लेते हैं इसे। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति भारतीय इतिहास में भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारी संबंध प्रश्नों से निपटने के लिए ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में तैयार की गई योजना थी। उदाहरण के लिए किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको क्या है ये? किसी राजा के निसंतान होने के कारण उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध को जन्म देने में इस नीति का महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य कौन से थे, जरा देख लेते हैं। देखिए सतारा 1848 में,
फिर है जैतपुर संबलपुर 1849 में, इसके बाद है बगाट 1850 में, फिर है उदयपुर 1852 में, इसके बाद है झांसी 1853 में, फिर है नागपुर 1854 में और फिर है अवध 1856 में। वे कौन थे जिन्होंने 1848 के गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति नामक नीति तैयार की? तो अभी हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा है? देखिए व्यपगत का सिद्धांत, इसी को हड़प नीति कहते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा को शुरू किया? राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवॉलिस। लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा को शुरू किया। देखिए लॉर्ड कॉर्नवॉलिस का कार्यकाल सितंबर 1786 से अक्टूबर 1793 तक रहा। इन्होंने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। इन्हें पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। 1793 ईस्वी में इन्होंने बंगाल बिहार उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी, ठीक है। प्रति वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, लगा सकते हैं इसका आंसर। राइट आंसर इसका लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, यानी कि ऑप्शन ए। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहां पर मदरसा की स्थापना की थी? तो आंसर है कलकत्ता। कहां पर दोस्तों? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है ना। वर्ष 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था, ठीक है ना। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज सरकार के अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी ए ओ हूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन हूम द्वारा 1885 में की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर थे जनरल लॉर्ड डफरिन, ठीक है दोस्तों, जनरल लॉर्ड डफरिन। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? सही आंसर है अलेक्जेंडर कंगीघम ने, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कंगीघम ने किया था। सन 1784 में पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सन 1788 में इसका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेज प्रकाशित होना आरंभ हुआ। सन 1814 में इसका प्रथम संग्रहालय बंगाल बना। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता तो लिखा नहीं है कि स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद, इसने कहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। अंतिम की बात की है तो अंतिम है आपके राजगोपालाचारी, और उसने क्या कहा, फैक्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? सही आंसर है लुइस माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों, लुइस माउंटबेटन ये आजादी के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। आजादी के समय लुइस माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले कौन भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? राइट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति, ठीक है दोस्तों, सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, हिंदी में कहते हैं राज हड़प नीति, ये बनाई लॉर्ड डलहौजी ने। राज हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत, या इसे आप कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीन नाम से है ये, की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की, जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि रियासतों को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय बंगाल सती विनिमयन 1829 लाया गया। लॉर्ड विलियम बेटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इनके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को सन 1829 में समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन डी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह सी राजगोपालाचारी ने ली थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे 1952 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी थे। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ये बाकी के नाम है, इनको भी जरा हम देख लेते हैं एक बार। यहां तो ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्रह सिपाही विद्रोह। देखिए यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया है लॉर्ड हार्डिंग के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। लॉर्ड बेंटिंक के समय सती प्रथा उन्मूलन हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ और लॉर्ड एलन बरो के समय दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, ये किस नेता का कथन है? ठीक है दोस्तों, हिंदी में आता है क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन सी। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, यानी कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, यह कथन गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का है। आराम हराम है का नारा यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है, इसे भी याद रखिएगा, आराम हराम का नारा या फिर कथन कह सकते हैं, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? सही आंसर है मोहम्मद इकबाल, ठीक है, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल लिखे हैं मोहम्मद इकबाल ने। देखिए, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध कवि राजनीतिक थे। इनकी मुख्य रचना सिकवा 1909 ईस्वी में सिक्स लेक्चर्स ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीज थॉट बोगेद्रो तराने हिंद है। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में लिखी हैं। देखिए, आप केवल क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन में अभी आपको दूंगा, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, किस नेता को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? देखिए, क्वेश्चन था किसे लाल पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन जी है आपके, ये है आपके सामने, सही आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता एवं पंजाब के प्रतिनिधि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर की उपाधि मिली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सही आंसर है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी महात्मा गांधी ने। ठीक है, जरा ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, बारदोली की महिलाएं ऑप्शन के हिसाब से हम चल रहे हैं, महात्मा गांधी। देखिए, इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये।
भारत की आजादी के बाद प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह सफलता पर वहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने, देखिए क्या कह रहा है, बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान की। देखिए ऑप्शन में महात्मा गांधी है, आंसर सही है आपका। यदि महात्मा गांधी नहीं होता तो ऑप्शन में क्या रखा जाएगा, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लोह पुरुष भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। देखिए फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष तथा सरदार के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी, इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। देखिए गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान यानी कि जनगण मनगण तथा बंगाल के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना गुरुदेव ने की है। सन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सारे ही। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था। देखिए किसने सम्मानित किया, तो सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग भी लिख के आता है, कभी हॉर्डिंग भी लिख के आता है ये, ठीक है ना। एग्जाम में या बुकों में भी आपको मिलेगा लॉर्ड हार्डिंग या हॉर्डिंग, सही है। तो इस लॉर्ड हार्डिंग को दोस्तों इन्होंने सम्मानित किया था महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से। अब ध्यान से सुन लीजिए, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद पदक से लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई। राइट आंसर है केसर ए हिंद, ठीक है दोस्तों। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी जो उन्होंने त्याग दी थी। क्यों त्यागी तो जरा जान लेते हैं। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। यह उपाधि इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया। इसके कारण लोगों ने गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहना शुरू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। राइट आंसर है महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे। सन 1915 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिससे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में के विरोध में वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है दोस्तों। तो ये नारा याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यहाँ पर और भी ऑप्शन में नाम थे, जवाहरलाल नेहरू हैं जैसे कि, तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया तथा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, जिसका मतलब या तो भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे यानी कि मर जाएंगे, ठीक है ना। करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन डी। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन बी। आजादी के विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लोह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं, ऐसे जियो
जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? राइट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, तो ये कथन है महात्मा गांधी का। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कुछ और आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द महात्मा गांधी के हैं। आगे देखते हैं, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो। दिल्ली चलो का नारा 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद की ये शब्द हैं दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिएगा, हम वह हैं जिसे हमें हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, स्वामी विवेकानंद ने यह बात कही है। अगला क्वेश्चन है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? राइट आंसर है दलाई लामा। ठीक है दोस्तों, दलाई लामा के ये शब्द हैं, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, ये दलाई लामा के शब्द हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है, देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी नई दिल्ली। अब ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो अब यदि एग्जाम में जाए तो उसको ध्यान से पढ़कर जाएं। देखिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के समीप सी हेक्सागन में बनाया गया है। ठीक है, प्रस्तावित था लेकिन उसके बाद बना दिया गया, तो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दे दिया कि बना दिया गया है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में कहा गया प्रस्तावित है, लेकिन देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, पहले तो क्वेश्चन एग्जाम में आया उसके बाद किताब छपी। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के समीप सी हेक्सागन में बनाया गया। यह स्मारक मातृभूमि की रक्षा में प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया महल में है, या कि विक्टोरिया महल कहाँ है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, विक्टोरिया महल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जो महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इसकी स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1906 ईस्वी में की थी तथा सन 1921 में इसे आम जन के लिए खोला गया। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किया गया था, यानी कि वर्ष पूछ रहा है आपसे, सही आंसर है 1888 में। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, इसका निर्माण 1888 में किया गया। देखिए दोस्तों, विक्टोरिया टर्मिनल यानी कि वीटी को अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि सीएसटी कहा जाता है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। इसका निर्माण 1888 में किया गया था। वास्तुकला की गोथिक शैली में निर्मित सीएसटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया है? सही आंसर है इंडिया गेट। ठीक है दोस्तों, इंडिया गेट, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं इंडिया गेट की बात। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। नई दिल्ली के मध्य में 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट मेहरवदार आर्क द ट्रायंफ के रूप में है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 70,000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी और इसे एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। इस स्मारक को 10 वर्ष के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया? सही आंसर है 1921 से 1927 के बीच में। ठीक है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 ईस्वी के बीच किया गया। 1927 ईस्वी के बीच संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया। इसका डिजाइन वास्तुकार एडविन लुटियन ने तैयार किया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने
नई दिल्ली को डिजाइन किया है? तो राइट आंसर है सर एडविन लुटियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में ये, ठीक है। नई दिल्ली का डिजाइन किसने बनाया था? सर एडविन लुटियंस ने। सर एडविन लुटियंस 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। इन्होंने तत्कालीन राजधानी दिल्ली की अभिकल्पना तैयार की थी। संसद भवन, इंडिया गेट, वायसराय हाउस इनके द्वारा डिजाइन किया गया प्रमुख सत्यापित कलाओं में से एक है। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य बना था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाली, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य बना था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीप को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। सन 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1971 में किसके युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास चलती है? तो राइट आंसर है भारत पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अमर ज्योति, याद रखिएगा अमर ज्योति, अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास, ये भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए शहीद सैनिकों की याद में जलती है। देखिए, भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान सरकार के निरंकुश शासन के पूर्वी पाकिस्तान, जो अब वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, को स्वतंत्र कराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ? तो राइट आंसर है 1962, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, 1962। देखिए 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि यह युद्ध भारत चीन के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच 1971 से पहले 1965 में युद्ध हुआ था। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा की गई? राइट आंसर है 1965, ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद ताशकंद की घोषणा की गई। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी के बाद ताशकंद समझौता हुआ। यह भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ। यह एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1824 से 1826 के बीच पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक चला। इस युद्ध का मुख्य कारण बर्मा राज्य की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैला जाना था। इस युद्ध का अंत 1826 में यानडूब की संधि से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश देश को किस देश से स्वतंत्रता मिली है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम क्या था? तो दोस्तों, इसका कोड नेम था ऑपरेशन विजय, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम था ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम ऑपरेशन विजय था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध पर विजय हासिल की थी। इस ऐतिहासिक दिन को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। 10 जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र घोषित किया गया, जबकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा, यानी कि LOC कब परिवर्तित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1972 में। जरा देख लेते हैं LOC के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके लिए। सन 1947 में भारत व पाकिस्तान के बीच 740 किलोमीटर लंबी युद्ध विराम रेखा खींची गई। कितनी? 740 किलोमीटर। आगे चलकर 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के बाद इस नियंत्रण रेखा पर में परिवर्तित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता 1972 पर किनके हस्ताक्षर हैं?
किए गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो द्वारा शिमला समझौते 1972 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए सन 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि हस्ताक्षर हुए, इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में भारत के अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेवल ने किसे आमंत्रित किया था? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है दोस्तों, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेवल ने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1940 को भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेवल ने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया। इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्य शामिल थे। लॉर्ड बेवल के कहने पर 5 सदस्य मुस्लिम लीग से इसमें सम्मिलित हुए, तब सदस्यों की कुल संख्या 14 हुई। कांग्रेस के 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। यहाँ पर याद रखिए इस बात को, किसने ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यानी कि कहां पर ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? सही आंसर दोस्तों शिमला। ठीक है ना, शिमला ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ये 1864 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। शिमला ठंडी जलवायु, सुगम्य प्राकृतिक दृश्यों, हिमाचत्दित पहाड़ियों, चीड़ एवं देवदार के जंगलों और शहरी भूदृश्यों के लिए विख्यात है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, ये कौन थे? तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने 1947 में दृढ़ता से भारत पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया। ये सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी कार्य निष्ठा के कारण सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका उद्देश्य संयुक्त स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत था, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता था। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य एवं निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी, बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से इन्हें जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में ये। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को पुकारा जाता था। देखिए फ्रंटियर गांधी या हिंदी में कह लीजिए सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। गांधी जी के कट्टर अनुयायी होने के कारण उनके अनुयायियों ने उन्हें यह नाम दिया। इन्हें बच्चा खान या बादशाह खान भी कहा जाता था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए पढ़ चुके हैं आप, बार बार इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं आंसर। सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक में से एक थे। देखिए स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना अगस्त 1959 में चक्रवर्ती राजगोपाला जी ने की। इस दल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति का विरोध किया गया और लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? सही आंसर है 18वीं, यानी कि ऑप्शन डी, 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक विवरण देता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 712 ईसा से 1707 तक के राजवंशों की जानकारी देता है, तथा आधुनिक काल 1707 यानी कि 18वीं शताब्दी से वर्तमान काल तक का विवरण प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधार का नाम बताइए। तो ये है आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधार का नाम है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था जिसका आह्वान इन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया।
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स वेसिलिका किस शहर में है? सही आंसर है वेटिकन में। कहां पर? वेटिकन में, यानी कि ऑप्शन डी। सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च वेटिकन शहर में स्थित है। यह ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चर्च है। इसे 1626 में बनाया गया था। देखिए यहां पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, फिर ऑप्शन दूंगा अगले पेज पर। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मोर्टिमर ने किस सन में की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, मोर्टिमर रेखा और डी मैकमोहन। तो सही आंसर है डूरंट रेखा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे अच्छे से जान लेते हैं। डूरंट रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य 2430 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इस रेखा का नाम सर मोर्टिमर डूरंट के नाम पर रखा गया। बाकी की बात कर लेते हैं। रेडक्लिफ रेखा यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसका निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। मैकमोहन रेखा यह भारत चीन के बीच मध्य खींची गई अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। यह रेखा 1914 में खींची गई थी। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसी नगनाडु कहा जाता था? आंसर है कोलम, यानी कि ऑप्शन ए। कोलम को प्राचीन समय में डेसी नगनाडु कहा जाता था। कोलम शहर को प्राचीन समय में डेसी नगनाडु कहा जाता था। यह केरल में अरब सागर के तट पर अष्टमुदी झील के निकट बसा एक बंदरगाह नगर है। इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में इसे भारत के 5 बड़े बंदरगाहों में शुमार किया था। इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में सीरिया के व्यापारी सपीर ईसा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? सही आंसर है नक्सलवादी विद्रोह, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं इसको हम, नक्सलवादी विद्रोह को एक बार अच्छे से। नक्सलवादी विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा चलाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध में नहीं था। नक्सलवादी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी सब डिवीजन का एक सबसे छोटा सा कस्बा है, जहां 1967 में सशस्त्र क्रांति के विचार वाले नक्सलवादी आंदोलन का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1866 ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दादाभाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना ब्रिटेन में दादाभाई नौरोजी ने 1866 में किया था। निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है, और इस तरह तत्व मीमांसा तथा अस्तित्ववाद का अस्वीकार करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि निश्चयात्मकता। ठीक है, देखिए निश्चयात्मकता एक दार्शनिक प्रणाली है जो केवल उससे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है, और इस तरह तत्मीमांसा तथा आस्तिकवाद को अस्वीकार करता है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।